सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जयंती पर्व श्री गुरुद्वारा साहिब में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया। सुबह से देर शाम तक धार्मिक आयोजन हुए। सिख समाजजनों के बीच प्रकाश पर्व का उत्साह चरम पर रहा। समाजजन गुरु की भक्ति में रमे रहे। इसी के साथ 8 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का समापन भी हुआ। समाज के हरविंदर सिंह ने बताया कि सुबह श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति के बाद कीर्तन दीवान सजाया गया, जिसमें गुरुवाणी के शब्द से संगीत को निहाल किया। दोपहर 1 बजे सम्मान समारोह के बाद दीवान साहिब की समाप्ति हुई। अरदास के बाद गुरु का अटूट लंगर वर्ता गया, जिसमें गुरु भक्तों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन के बाद एक संगत एक पंगत के रूप में गुरु प्रसादी ग्रहण की। प्रकाश पर्व पर SDM ओम नारायण सिंह ने भी गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर लंगर में सेवा के बाद गुरु प्रसादी ग्रहण की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के निमित्त परसों गुरुद्वारा साहब में श्री अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ किए गए थे। उसी दिन निशान साहब जी की भी सेवा की गई थी और नगर कीर्तन भी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रात्रि को गुरुद्वारा साहब में समापन हुआ। उसके बाद में लंगर सेवा भी की गई। आज श्री अखंड पाठ साहब जी का समापन भी है और सभी धर्म सभी समाजों के लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की गई है और सभी समाज जो ना कर लंगर छके भी और जो रह गए उनसे भी विनती है सभी आए दर्शन भी करें और लंगर भी प्रसादी भी ग्रहण करें। हरभजन सिंह भाटिया, सचिव गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।